नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब ऐप पे जो घंटा बना, अगर आप इसको दबा दोगे तो मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ओके, तो अब एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही महान बॉडी बिल्डर की बात करूंगा। नाम है जय कटलर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के दीवाने हैं तो आपने ये नाम सुना होगा। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है और पूरी दुनिया में लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। तो चलिए जानते हैं। जय कटलर एक अमेरिकन प्रोफेशनल IFBB बॉडी बिल्डर है जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल पूरे 4 बार जीता है, 2006, 7 और 2009 और 10। जय कटलर का जन्म 3 अगस्त 1973 को स्टर्लिंग मैसूचेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच की है। जय कटलर की बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त थी जब वो अपने प्राइम शेप में थे। आज भी उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को मेनटेन किया हुआ है। वो दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर की लिस्ट में शामिल भी हैं। उनकी बॉडी में मस्कुलैरिटी और कटिंग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो 4 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम कर पाए। आप जानते हैं कि जब वे अपने प्राइम शेप में थे 2006 और 7, तब वे लगातार 2 बार मिस्टर ओलंपिया जीते। 2008 में वो डेक्स्टर जैक्सन से हार गए थे क्योंकि उनकी बाइसेप में इंजरी हो गई थी। वो अच्छे से जिम में ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जब वो कमबैक करेंगे तो डायरेक्ट मिस्टर ओलंपिया ही जीतेंगे। 2009 में जे कटलर ने वापस से कमबैक किया तो और लगातार 2 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब फिर से जीत पाए। जय कटलर जब अपने प्राइम शेप में थे तो लगातार 2 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीते, 2006 और 7। 2008 में डेक्स्टर जैक्सन ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन जय कटलर की बॉडी तो स्ट्रांग थी और वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने हार नहीं मानी। फिर अगले साल मिस्टर ओलंपिया के कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग गए और उन्होंने दिन रात जिम में खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की। किसी ने सोचा नहीं था कि वापस से कमबैक करेंगे और मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतेंगे, और हुआ भी। उसके बाद लगातार 2 साल 2009 और 2010 में जे कटलर मिस्टर ओलंपिया फिर से बने। दोस्तों, जब उन्होंने कमबैक किया था मिस्टर ओलंपिया के लिए तो उन्हें देख के सब डर गए थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जब डाउनफॉल आता है तो अपने आप को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वे वापस आए तो लगातार 2 बार मिस्टर ओलंपिया जीते। उनकी लाइफ का सबसे बढ़िया शेप 2006 के मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में देखने को मिला। उनका सब कुछ परफेक्ट था, जैसे कि बॉडी का साइज, मस्कुलैरिटी, डेफिनेशन, सिमेट्री, जो कि मिस्टर ओलंपिया को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं कि जे कटलर ने रोनी कोलमैन को हराया था। अगर वो हराते नहीं तो आज दुनिया में रोनी कोलमैन 9 बार मिस्टर ओलंपिया खिताब जीत चुके होते और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान होते। 2011 में फिल हेल्थ से हारने के बाद सभी को यही लगा कि वह बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से कमबैक किया, लेकिन वे हार गए क्योंकि उनके फिर से बाइसेप इंजरी हो गई थी। और 2013 में उन्होंने फिर से कमबैक किया, लेकिन मिस्टर ओलंपिया में वो 6ठे पोजीशन पे आए। आज वो एक बहुत ही सफल इंसान है और दुनिया के 3रे सबसे अमीर बॉडी बिल्डर भी हैं। आज भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आज भले ही वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, लेकिन वो आज भी अपने बिजनेस में काफ़ी एक्टिव है। उनका खुद का बिजनेस वेंचर है, कटलर न्यूट्रिशंस, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं वो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।